रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं और ज़ारा फिर से मेरी किचन में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं ज़ारा पापा किचन से एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग। उसके लिए जो वो है डिश वो का नाम तो हाँ, डिश बताइए। का नाम है पिज़्ज़ा बन। दोबारा से बोलिए। पिज़्ज़ा बन। हाँ, आज आप बनाने जा रही हैं ज़ारा पिज़्ज़ा बन, और इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो यहाँ पे रेडी हैं। तो ज़ारा आपको बताएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको। बहुत सिंपल सी है और बहुत ईजी, जल्दी से बनने वाली है। तो बताइए ज़ारा। इसके लिए हमें चाहिए टोमेटो सॉस जो है पिज़्ज़ा सॉस, और बटर, थोड़ा ब्लैक सा ऑलिव सॉस, बटर, बटर और ब्लैक ऑलिव, मशरूम्स, थोड़े चिकन और चीज़, टोमेटो, अनियंस और ये कैप्सिकम जो आपको चाहिए, दो 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 रंग कलर्स की। के हम लोगों ने जी लिए हैं, जी और बंद को क्योंकि इसके जो बगैर मैंने तो हाफ काटे हैं। पिज़्ज़ा बन बन ही नहीं सकता ना। तो ठीक चलिए है, हम अपनी रेसिपी को, हम नहीं, ज़ारा स्टार्ट करती है अपनी रेसिपी को। तो जी ज़ारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बन को लेंगे और उसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे या फिर टोमेटो व्यूवर्स। हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हम लोगों ने बन पे लगा दी है। अब जो हमारी चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी शुरू में वो हम लोग ऊपर थोड़ी सी फैला देंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। अगर आप ये अपने बच्चों के लिए ट्राई करेंगे तो उनको बहुत पसंद आएंगे। और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है ये, इसमें ओवन की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप लोग जितना इसके ऊपर चीज़ डालेंगे उतना ही चीज़ी बनेगा और मज़े का उसका टेस्ट आएगा। तो मैंने इसके साथ हम लोग डालेंगे ये चिकन। ये चिकन मैंने बिल्कुल उसमें एयर फ्राई में बनाया था। मैं इसको मसाला, घर के मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च और काली मिर्च लगा के, तो इसको थोड़ी देर मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ऑयल डाल के तो उसको पका लिया, और कोई इसमें मसाले कोई कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने ये अनियंस और टोमेटो लिए थे हम लोग थोड़े थोड़े ऊपर डालेंगे। बिल्कुल जैसे ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है, आपने बिल्कुल वैसे ही करनी है। मैंने थोड़े से डाला, मुझे नहीं छूटते। अब मैंने अनियंस ऊपर लगा दी है, अब जो टोमेटो है वो भी हम लोग ऊपर डालेंगे। जी अब हम लोग जो मशरूम्स है वो हम लोग ऊपर डाल देंगे दो तीन। और क्या डालेंगे? इसके बाद हम लोग जो कैप्सिकम ली थी हम लोगों ने दो कलर्स की है वो हम लोग डाल देंगे ऊपर। देखिए कितना अच्छा और कलरफुल लग रहा है ना, ऐसे बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ही लग रहा है। क्योंकि ये हम इसीलिए तो इसका नाम भी हमने पिज़्ज़ा बन ही दिया इसको। अब हम लोग येलो वाली डालेंगे। अब हम लोग ब्लैक ऑरेंज डालेंगे। अब हम लोग जब हम लोगों ने ये ब्लैक ऑरेंज ऊपर डाल देंगे अब हम लोग फिर से एक और दफा चीज लेंगे और उसके ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। जी तभी तो इतना मज़े का बनता है, और यकीनन बच्चे इसको शौक से खाएंगे। ऐसे ही हम लोग मैं अभी दूसरा भी बना लूंगी। अभी सेम मैं ऐसे ही आपने बाकी के जितने आपने बनाने हैं एक ही दफ़ा पहले आप बना लेंगे, फिर उसके बाद आप इसको उसमें ओवन में तो नहीं हम इसको रखेंगे, हम इसको रखेंगे पैन के अंदर। ये देखिए मैंने इसको भी रेडी कर लिया। इसके ऊपर मैंने थोड़ा अपने हाथों से प्रेस किया ताकि जो एक्सेस जो हमारे हैं वो नीचे ना गिरे, क्योंकि जब हम चूल्हे पर रखेंगे वो गिर जाते हैं। तो तभी इसको हाथों से हम लोगों ने ऊपर प्रेस किया। तो उससे पहले आपको चूल्हे को प्री हीट करना है और आपने जो चूल्हे को नहीं जा रहा, पैन पैन चूल्हे अब हम लोग बटर लेंगे और उसको बिल्कुल थोड़ा सा बटर इसमें हम पैन के अंदर डालेंगे। अब हम लोग बटर इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम लोगों ने ग्रीसी करना है, ग्रीसी। तो मैं ऐसे ही वो कर
ये मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, ये इसको सारा हमने ऐसे थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना है। अब ज़ारा क्या करेगी? हम लोगों ने बंद करके जो था वो हम लोग इसके अंदर रखते हैं ऐसे, और साथ ही मैं दूसरा भी रखूंगी। जी ये हमने रख दिया, और अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग ऊपर इसका ढक्कन रख देंगे, इसको ढक के रख देंगे, और आंच को बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये जो हमारा जो चीज है वो मेल्ट हो जाए। और जैसे ही पिज्जा बन है वो तकरीबन रेडी होने वाले हैं और हमारा चीज जो है वो मेल्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। इसको ऊपर से हटा के दिखाते हैं, ये देखें कितने यम्मी लग रहे हैं ना, क्यों ज़ारा? जी बिल्कुल। और अभी इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, क्योंकि अगर हम तेज आंच करेंगे तो नीचे से हमारे जो बन है वो बनने में, तो ये हमारे जो बन पिज्जा बन है वो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको फिर ज़ारा आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएगी। जी तो व्यूअर्स हमारे ये हो गए हैं, मतलब बन गए हैं। मैंने दो और बना लिए थे तो मैं इन दोनों को निकालूंगी। ये ज़ारा ने दो दो बनाए हैं, तो एक अपने लिए, दो अपने लिए और दो भाई के लिए बनाए हैं, तो ये दो तो हो गए हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं डिश के अंदर। और इसको अभी हम लोग रख देते हैं कवर करके, इसको दोबारा से रखते हैं। जी वीवर ये देखिए हमारे जो वो पिज़्ज़ा बन है वो रेडी हो चुके हैं, और ये ज़ारा ने जो बनाए हैं तो देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, क्यों ज़ारा? जी हाँ। कमेंट करें कि ये आप लोगों का कैसा बना, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही मज़े का बना रहता लग रहा है, तो तभी मैं कह रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और फिर एक और रेसिपी मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए।